मुझे ये डोरेमोन और एलिफेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मम्मा मुझे ट्रैक्टर और ट्रॉली चाहिए क्योंकि मैं अपने पापा का बच्चा हूँ। मुझे लड़कियों वाले खेल खिलौने नहीं चाहिए, मुझे ट्रैक्टर और ट्रॉली दिलाओ जल्दी से। मुझे नहीं पता, अब मैं बड़ा होने लगा हूँ। फाइनली मम्मा को मेरी बात समझ में आ गई और मम्मा ने मुझसे प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं आपको दिला दूंगी, पर आप पहले नहा लीजिए, बहुत गर्मी हो रही है। तो मैं मम्मा के कहने से नहा रहा हूँ, ठंडी ठंडी पानी, और मैं मम्मा के कहने से नहा रहा हूँ। और अब आपको पता है ना कि क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं करना, हमको तो खेलने का है क्योंकि हमसे अभी कुछ नहीं होता। पर मम्मा ने ना मुझे लड़की समझा हुआ, ये देखो किस कलर का टावल मुझे उड़ा दिया। मम्मा मैं कोई लड़की हूँ क्या, आप कैसा टावल मुझे उड़ा रहे, कम से कम देख तो लो आप। आपको समझ में नहीं आता, अभी आपको पापा से डांट लगवाऊंगा मैं। आप रुको जरा, मेरे पापा को आने दो, मैं आपको डांट लगवाऊंगा। आप मुझे हमेशा लड़की समझते हो। ये मम्मा ने मुझे लड़की वाले कपड़े पहना दिए पिंक कलर के, और ये पता नहीं क्या है मीठा मीठा सा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मम्मा ने मुझे खिलाया तो मीठा मीठा अच्छा तो बहुत लगा। फिर मैंने मम्मा से कहा, मम्मा आप हटो, मुझे खुद से खाने दो। और ये चम्मच क्या, मुझे चम्मच से नहीं खाना, मुझे अपने हाथ से खाना है। और ये मैंने हाथ में उठाने की कोशिश करी, मेरे हाथ में आ नहीं रहा क्योंकि मेरे हाथ अभी बहुत छोटे छोटे हैं ना। मम्मा मुझे खिलाने नहीं दे रही, मैंने मुझे हटा दिया ताकि मैं गंदा होने से बच जाऊँ क्योंकि मैं अभी नहाया था। और ये क्या, मम्मा ने मुझे कूलर के सामने लेटा दिया और इतनी तेज हवा चल रही है, मुझे उड़ना है पर मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं पापा की परी नहीं हूँ, मैं पापा का परा हूँ। और परा नहीं उड़ता, परी उड़ा उड़ती है, तो मेरे से नहीं उड़ा जा रहा। फाइनली मैं कोशिश करके थक गया। मम्मा तो मुझे पापा की परी समझती है, मम्मा बोल रही है उड़ो उड़ो उड़ो। अब मैं कैसे उड़ूँ मम्मा, मैं पापा की परी नहीं हूँ, मैं पापा का परा हूँ, मुझसे नहीं उड़ा जाएगा। मैं तो बस ट्रैक्टर ट्रॉली उड़ा सकता हूँ, मुझसे खुद नहीं उड़ा जाता मम्मा, पर मैं उड़ूंगा बड़ा होके। कल मैंने आपसे शिकायत लगाई थी ना, तो मम्मा ने आज मुझे फोन दे दिया, लेकिन मम्मा ने मुझे फोन वीडियोस देखने के लिए नहीं दिया, ये खिलाने के लिए दिया है। मम्मा समझ रही है मैं फोन के लालच में इसको खा लूंगा, पर मम्मा को कौन बताए, मम्मा ये तो मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो इसको ऐसे भी खा लूंगा, खिला दो जल्दी जल्दी मम्मा, तो बहुत मीठा है, मम्मा ने मुझे दे दिया, पर ये ठंडा भी बहुत है। अब मम्मा बोल रही है कि बस और नहीं खाना वरना ज़्यादा मीठा हो जाएगा, मुझको तो और चाहिए। मम्मा को कोई तो समझाओ, मुझे और भी भूख लगी है। अब मम्मा ने मुझे रेड रेड टॉयज दिखा दिए और नए कपड़े मेरे लिए रख दिए। ये नए कपड़े पता है मेरे लिए क्यों रखी गई, और ये चश्मा भी, ये इसलिए रखी गई है ताकि हम इनको पहन के अपनी नानी को अस्पताल में दिखा के ला सकते हैं। मेरी नानी की तबीयत ख़राब रहती है ना, और कोई दिखाने वाला भी नहीं है, तो मम्मा मुझे पानी पिला रही है ताकि बाहर प्यास ना लगे और मैं बाहर ना रहूँ, तो मम्मा मुझे यहीं से फुल करके लेके चली। फाइनली मम्मा ने मुझे पानी पिला दिया और ये टॉय दिखा दिखा के मेरा पानी से पेट भर गया। हाँ तो मैं आपको अपनी नानी की बात बता देता हूँ, पर उससे पहले क्या, ये मैं रो रहा था, इसको क्या चाहिए था, चश्मा। ओ मम्मा को तो समझ आ गया, मम्मा ने मुझे चश्मा दे दिया और ये तो मेरा फेवरेट है, चश्मे को लेकर तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। इस चश्मे के साथ खेलने के बाद अब मम्मा अपने घर आ गए हैं क्योंकि बाहर तो मम्मा ने वीडियो बनाई नहीं, बाहर बहुत गर्मी हो रही थी। तो हम बाहर कहाँ पे गए थे मैं आपसे बता दूँ, हम बाहर गए थे अपनी नानी को दिखाने के लिए। मेरी नानी की आंखों में इन्फेक्शन है, अब कोई है तो है नहीं घर पे, मैं अकेला हूँ, मम्मा के साथ में मैं ही जाता हूँ। हम मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी पर मुझे पानी नहीं पीना था, मुझे चाहिए था कल वाला नींबू पानी। अब मैं मम्मा से बहुत बार मांगा, मम्मा को समझ तो आ गया, मम्मा गिलास में लेके आई, मम्मा को इतना नहीं पता कि मैं गिलास नहीं पी सकता, मैं भी बहुत छोटा हूँ, मम्मा को कोई तो समझा दो। मम्मा को समझ में आ गया मेरे पैर हिलाने के बाद में। फिर मम्मा ये मेरे ना बोतल में लेके आई और मेरी नानी मुझे पिला रही है, नानी कह रही है मेरा बच्चा जल्दी बड़ा हो जाए। तो मेरा और अपनी मम्मा का ख्याल रखने लगे क्योंकि अब मैं अकेला ही रह गया हूँ ना, मेरे साथ कोई नहीं।